वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल, ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। सिरसा में चौधरी रणजीत सिंह के मंत्री बनकर दोबारा पहुंचने पर उनके नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में हरियाणा भर से आए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कौशल अध्यापकों की ओर से बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं पर आपको बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा में 9000 से ज़्यादा TGT और PGT सहित तमाम अन्य पोस्टों पर जो नियुक्तियाँ की गई हैं, जहाँ पर HKRNL में जो कौशल अध्यापकों की अन्य कई मांगों को लेकर उन्होंने जो मंत्री नवनियुक्त किए गए हैं चौधरी रणजीत सिंह से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें कि हर वर्ष रिन्यू इन कौशल टीचरों को किया जाता है, जो कि पिछले वर्ष भी इनका जो वित्तीय मंत्रालय की ओर से इनकी जो एक मांग पूरी नहीं होने की वजह से चौधरी रणजीत सिंह की ओर से एक स्पेशल इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाते हुए इन तमाम कौशल टीचरों को उनकी नियुक्तियां करवाई थी। अब इस बार भी इन तमाम कौशल अध्यापकों को एक जो कि उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से मंत्री जी का कार्यकाल एक साल आगे बढ़ गया है, उन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया, ऐसे ही कौशल अध्यापकों को भी एक साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जाए। साथ ही समायोजित करने की मांग, समय पर सैलरी आने की मांग, स्थानांतरण करने की विसंगतियां, प्रभावित होने के कारण हटाए गए कई अध्यापकों की मांग और GST हटाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मंत्री को सौंपा गया। क्या कुछ इन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए TGT PGT कौशल अध्यापकों की मांगे हैं? तक 9290 साथियों को मौका मिला है और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बिल्कुल पारदर्शी भर्ती की गई है और सर का पुनः मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के लिए चुनाव हुआ है, तो हमें बहुत खुशी है कि सिरसा से दोबारा चुने गए हैं, तो इसीलिए हम साथ में बधाई के साथ में अपना ज्ञापन देने के लिए सर को आए हैं, ताकि हमारी कुछ एक जो समस्याएं आ रही है, अभी तक सर ने बहुत अच्छे से डील किया, बहुत सारे जो साथी है पूरे हरियाणा से आए हैं और सर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि सर के कारण ही हमारा, जैसे बाकी जितने भी साथी केथल, हिसार, सोनीपत और रोहतक से और भिवानी से भी हमारे साथी पहुंचे हैं। हिसार से आए हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे बुक्का लेकर के आप? धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी सर, हम सबसे पहले तो पुनः कैबिनेट मंत्री बनने के लिए रणजीत सिंह सर को बधाई देने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कुछ समस्याएं आ रही HKRN से लेकर उससे संबंधित हम अपना ज्ञापन है, उस समस्या उनके सामने कुछ रखना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर उपस्थित है। हाँ जी, अगर हम बार बार प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से और सर का सहयोग रहा तो जरूर हमारी जो मांगे है उसका समाधान जरूर होगा। जी सर, धन्यवाद। कितनी उम्मीद, कितना भरोसा? भरोसा तो सर देख सकते, मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कितना भरोसा है। जी, उनके साथ बातचीत होने के बाद ही पता चलेगा। जी मैम, आप कहाँ से? मैं सोनीपत से आई हूँ सर। सोनीपत से। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? HKRN में ज्वाइनिंग हो चुकी है? हाँ सर, मेरी दिसंबर 2023 में हुई थी सर, और बिल्कुल पारदर्शी भर्ती सर, जितने बंदे थे सारे, जितने कैंडिडेट लगे सारे के सारे मेहनती सर, और हम दोबारा से चौधरी रणजीत सिंह से रिक्वेस्ट करेंगे सर, उन्हें पहली बार भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने में हमारी बहुत मदद की थी और हम चाहते हैं कि अब की बार भी वो हमारी हेल्प करें और हमको बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं उनको दोबारा से कैबिनेट मंत्री बनने को। तो आगे क्या मदद चाहते हैं? अभी तो आप ज्वाइन हो चुके हैं, आगे क्या मदद चाहते हैं? आगे सर हम ये मदद चाहते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सर, जो हमारा 31 मार्च तक, हम चाहते हैं सर, पिछली बार भी सर ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी, उसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सर, हम चाहते हैं कि अब की बार फिर से वो हमारी मदद करेंगे और जो हमारे पहले साथी थे जो संस्कृत PGT वाले, उनको भी एडजस्ट कराने में हमारी हेल्प करें सर, क्योंकि वो सब हम सभी बहुत गरीब परिवार से हैं सर और इसी नौकरी पे हमारा क्या सर पूरा परिवार टिका है सर, और ये इसी यही हमारी रोजी रोटी है सर, हम चाहते हैं जो हमारे PGT वाले हैं और जो हमारे पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, जितने भी PGT वाले कैंडिडेट जितने भी प्रभावित हुए हैं उनको भी एडजस्ट करें सर, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सर उसको भी एक्सटेंड करें, मौका दें सर, क्योंकि हम पूरी मेहनत करते हैं
स्कूलों में। उम्मीद क्या है आपको, दोबारा मिनिस्टर बने तो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे सर, हमें सर पर पूरा विश्वास है सर कि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि वो गरीब कैंडिडेट की सुनते हैं तो हम जरूर हेल्प करेंगे। जी मैम, आप कुछ बता रहे थे। हाँ सर, हम अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए यहाँ आए हैं कि चलो हमें इस HKRN एक निगम है इसके तहत रखा गया है कि जब तक कोई उस सीट पर परमानेंट कैंडिडेट ना आए तब तक हमारी जॉब सिक्योर रहे। अगर आ भी जाए तो अगर खाली कहीं भी हरियाणा में सीट है तो वहाँ पर हमें अपॉइंट किया जाए। बस यही कह रहे थे कि जैसे कि मैडम ने बताया कि हमें जब प्रभावित होते हैं तो हरियाणा में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सीटें खाली है, तो हमें खाली सीटों पे एडजस्ट किया जाए और जो हमारे PGT संस्कृत के साथ ही प्रभावित हो गए हैं उन्हें भी खाली सीटों में दोबारा एडजस्ट किया जाए। सर भाई साहब कहाँ से आए आप? सर मैं रोहतक से आया हूँ सर। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन से पद पे आप सिलेक्ट हुए हैं? सर TGT पद पे हूँ और अभी हम सर का शुक्रिया करने आए हैं क्योंकि उनकी वजह से पिछली बार हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ा था और हम सभी को पूरी आशा है कि अब की बार भी हमारा कॉन्टैक्ट उनके कर्मोकलम से बढ़ेगा। और भी जैसे सभी साथी कह रहे हैं कि जो साथी हमारे प्रभावित हुए हैं संस्कृत के वो उनको रीएडजस्ट किया जाए। और कोई ये भी मैं चाहूँगा कि जी देखिए बार बार ये डर बना रहता है टीचर पे कि वो कहीं उनको हटाना दिया जाए, तो एक आश्वासन सरकार की तरफ से हम चाहते हैं कि जैसे हमारे दूसरे साथी टीचर्स को मिला हुआ है, गेस्ट टीचर को मिला हुआ है कि 58 साल तक वो कार्यरत रहेंगे, हम भी कुछ ऐसा चाह रहे हैं और आशा है कि ये सरकार हमारे कैबिनेट मंत्री उस पर मोहर लगाएंगे। मैम आप कहाँ से हैं? मैं सिरसा से हूँ। सिरसा से? हाँ जी सर। अच्छा तो आप कहाँ ड्यूटी करते हो अभी? मैं सर सिरसा के पास में मेरा गांव है, बम्बूर पोस्टिंग है मेरे सर। ठीक है। हाँ जी सर। रानिया विधानसभा में? हाँ जी हाँ जी रानिया। तो आपको क्या उम्मीदें हैं मंत्री? उम्मीदें तो सर यही है कि जैसे हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, सबसे बड़ी उम्मीद तो हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम अपना काम पूरी निष्ठा से और कर सकें। हाँ जी भाई साहब आप कहाँ से है? हम सिरसा से ही हैं जी, रानिया ब्लॉक से। तो हम भी HKRN टीचर हैं तो हम भी यही चाहते हैं और पिछले साल भी हमारा एक्सटेंशन चौधरी साहब के थ्रू ही हुआ था तो इस बार भी हम पूरी आस के साथ आए हैं और पूरा हमें विश्वास है कि इस बार भी हमारी एक्सटेंशन भी किया जाएगा और जो हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी इस बात की हमें गारंटी है। मतलब कि उम्मीद है पूरी? हाँ पूरी उम्मीद है जी, उम्मीद के साथ। देखो रोहतक से आ रहे हैं साथी, सोनीपत से आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है, एक उम्मीद के साथ ही हम यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं हमारे साथी। जी भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो रमेश जी ये है कि लगभग 8,000 के आसपास HKRN में अध्यापक लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है बिना खर्चे और बिना पर्चे का जो नारा दिया सरकार ने साकार किया है। अब एक मुख्य समस्या ये आ रही है जब भी कोई टीचर रेगुलर वहाँ पे आ जाता है या कोई प्रमोट हो जाता है उस अध्यापक को रिलीव कर दिया जाता है, जबकि दूसरे स्कूल में वही सेम पोस्ट खाली है। हम ये चाहते हैं कि रिलीव कर दिया जाए लेकिन साथ का जो खाली स्कूल है वहाँ पे हमें एडजस्ट कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से इस बात को माननीय मंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो इनकी छोटी मोटी समस्याएँ हैं हम धन्यवाद दिए हैं उनका इस जॉब देने के लिए, लेकिन छोटी मोटी समस्याएँ उनका भी समाधान कर दिया जाए। भाई साहब आप कहाँ से? सर मैं भिवानी जिले से आया हूँ। अच्छा क्या आप क्या मांग लेकर आए सर? सबसे पहले तो मैं अपने नए मुख्यमंत्री और अपने चौधरी चरण सिंह को दोबारा कैबिनेट मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें अपने काम के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि उन्हें बिना पर्ची खर्ची के जो हमें नौकरी दी, जो हमें सम्मान दिया उसके लिए उनका शुक्रिया करने आए हैं हम यहाँ पे। और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें जो सम्मान दिया गया है वो हमें बनाए रखें, हमें 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दी जाए।